खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार पार्ट टू का नया चेहरा टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 बजे शुरू हुआ ये कार्यक्रम 9:04 पर खत्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 58 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस बार आप कह सकते हैं कि ये पुराने प्लस नयों का संगम है। 25 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री सरकार में अब कामकाज देखने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। मोदी के अलावा यूपी के 8 सांसद मंत्री बनाए गए हैं, 6 महिला मंत्री बनी हैं। ये वो बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए इस वक्त, इस कॉम्बिनेशन में, इस पैकेज में, इस ग्रुप में, इस टीम में। इस बात का ख्याल रखा गया है कि एक एक फ्रेटर्निटी, एक एक राज्य को पूरी तरीके से शोकेस भी किया जाए और उसे एक जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। और अब ये फोटो ऑप की बारी है। पूरी की पूरी कैबिनेट तैयार है। पिछली मर्तबा कुछ प्रदीप जी 71 से 74 थे कैबिनेट के, अभी 58 बने हैं, अभी 58 बने हैं, 22 वैकेंसी और रहती है। नहीं, अगर हम 80 का आंकड़ा लेकर चले, 80 का आंकड़ा लेकर चले तो 22 वैकेंसी अभी और रहती है। इन 58 में ही लगभग 18 से 20 नए चेहरे आ चुके हैं। बिल्कुल, और नए आ चुके हैं, और जिन लोगों को लिया गया है उनकी सोशल बैकग्राउंड, उनकी उनके उनके बारे में कामकाज के तरीके के बारे में पता करके, वो उनकी उपयोगिता सरकार में किस तरह की हो सकती, सरकार और राजनीति दोनों का तालमेल बिठाने की कोशिश हुई है कि जो सामाजिक संदेश जाए, जो राजनीतिक संदेश जाए और प्रशासनिक जो असर हो, इन सब का एक तालमेल हो, इसकी कोशिश की गई। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखिए, इनको देखना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अब जब कार्यक्रम समाप्त हो गया है, मुलाकात का दौर शुरू हो जाएगा। अभी ये नए नवेले तमाम मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, और इन सबको बहुत सोच समझ कर चुना गया है अमित शाह के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, मंथन हुआ है, सोच विचार हुआ है और फिर इन सबको इंक्लूड किया गया है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर, इस पूरी टीम को देखकर, वर्जन 2.0 को देखकर दिबांग, पहला आपका जो रिएक्शन है वो क्या आता है, टिप्पणी आपकी क्या? देखिए, बहुत ही पुख्ता टीम है, और अगर आप देखें तो सबसे बड़ी खबर इसमें यही है कि अमित शाह इसमें शामिल हुए। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर मुझको लगती है वो ये है कि एस जयशंकर इसमें शामिल हुए। तीसरी खबर न शामिल होने वाली की है कि सुषमा स्वराज इसमें शामिल नहीं है और जेपी नड्डा इसमें शामिल नहीं है। अगर आप 4 बड़े पॉइंटर्स इस मंत्रिमंडल के देखना चाहें, जो लोग शामिल हुए, नहीं शामिल हुए, उनके हिसाब से, और मेरे ख्याल से इस ऑर्डर से ये 4 बड़ी हेडलाइन है इस मंत्रिमंडल की। ये 4 बड़े पॉइंट्स हैं जो दिबांग ने इस वक्त ध्यान जिस पर केंद्रित किया है, और टॉप 4 में से जो कैबिनेट बर्थ है उसमें से 2 तो बदल दिए गए हैं। अरुण जेटली पहले ही मना कर चुके हैं, सुषमा स्वराज आपको दर्शक दीर्घा में नजर आई है। आपके लिए टेक अवे पॉइंट्स क्या होने वाले हैं इस बार कैबिनेट को? नहीं, मोटा मोटी तो वही पॉइंट्स है जो दिबांग कह रहे हैं, कुछ उसमें नया नहीं है। जेपी नड्डा का देखना होगा कि वो पार्टी की जिम्मेदारी की तरफ जाते हैं, अमित शाह कैबिनेट में। मेरे लिए इसके अलावा 1-2 और दिलचस्प है। एक छोटी सी बात प्रदीप जी जो कह रहे हैं उससे आगे ले जाएंगे कि सोशल बैकग्राउंड को बारीकी से देखा गया है, और ये बड़ा मोदीज्म का फॉर्मूला है, क्योंकि उनकी राजनीति को बरसों से हम देख रहे हैं, उस पर ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से ऐसे चेहरों को उन्होंने लाने की कोशिश की, अगर हम सारंगी साहब की बात करें, जो एक सोशल मैसेज भी कैरी करें, क्योंकि आपको वहां आगे जाके बड़ी पॉलिटिक्स करनी है। आप चाहते हैं कि वहां एक दिन आप ऐसी हैसियत में, और बीजेपी ने चमत्कार किया है मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में, जहां बदल के वाकई आप वहां की स्टेट पॉलिटिक्स में घुसे। ये कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स को आपने एडजस्ट किया है, टेक्नोक्रेट के लिए आपने एक पोजीशन निकाली है, जयशंकर साहब आपकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के पीछे रहे हैं, उनको आपने सीधे आप लेकर आए। तो कोशिश पूरी ये है कि एक किस्म का पॉलिटिकल बैलेंस हो। 8 आपने मंत्री बना दिए उत्तर प्रदेश से, तो लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा एक चीज रीड करूंगा, ये सब तो बिल्कुल सही बात है कि अमित शाह बहुत बड़ी खबर है, किस तरह से एक किस्म से बैकग्राउंड को मैनेज करने की
कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन। अभिज्ञान जो बार बार, और प्रदीप जी जो सोशल बैकग्राउंड का जिक्र कर रहे हैं, मुझे टाइम के दोनों हेडलाइंस याद आ रही है, एक तो डिवाइडर इन चीफ और दूसरा यूनिफायर इन चीफ। यूनिफायर इन चीफ इसलिए कहा गया कि उन्होंने सारी के सारी जो रेखाएं थी उनको तोड़ दिया था, और वही टूटी रेखाएं जो हैं उसको तोड़ते हुए तमाम कैबिनेट के मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर सोशल बैकग्राउंड इसमें जोड़ू तो उसी में एक वर्ड और जोड़ देती हूँ मैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव है, दूसरी तरफ यंग टैलेंट है, ऐसा यंग टैलेंट जो अपने साथ अच्छा बैकग्राउंड भी कैरी करता है। जैसे कि दो चार नाम अगर हम लें, अनुराग ठाकुर को पहली बार जगह मिली, संजय धोत्रे फिर से एक बार नाम ले रही हूं क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव है उनका कृषि के मामले में, रेणुका सिंह महिला हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उनको देखकर उनके टैलेंट को आगे बढ़ाया गया, सुरेश अंगाड़ी कर्नाटका से, उनको देखकर लिया गया। तो जो नए चेहरे हैं उनको इस आधार पर लिया गया कि वो उनका एजुकेशनल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड किस तरह का रहा, उन्होंने काम कैसा किया, अनुभवी लोग जिन्होंने काम परफॉर्मेंस पिछली सरकार में अच्छा किया मंत्री पद के तौर पर उनको लिया गया। तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस मैं कहूंगी ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग टैलेंट। मैं एक सेकंड आपको आप सबको एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। मैं तस्वीरों के जरिए जरा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि अब तक हुआ क्या है। पहले आप ये देखिए और उसके बाद मोदी सरकार 2 पर होगी थोड़ा डिटेल में बातचीत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, आई निर्मला सीतारामन, मैं रामविलास पासवान, मैं रविशंकर प्रसाद, आई सुब्रमण्यम जयशंकर, मैं स्मृति जुबिन ईरानी, मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल, मैं धर्मेंद्र प्रधान, मैं मुख्तार अब्बास नकवी, मैं गिरिराज सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जब क्या इसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। मोदी सरकार 2 में 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं, 24 राज्य मंत्री ने आज शपथ ली है, 19 लोग पहली बार मंत्री बन रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों से एक एक करके आपका राब्ता कायम करेंगे, एक एक करके आपको इनकी डिटेल्स बताने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका सोशल बैकग्राउंड। बहुत सोच समझ के और परख के इस पूरी तस्वीर को तैयार किया गया है, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि बताइए कौन कौन सी जिम्मेदारियां किस किस को सौंपी जानी है। अभी तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जिनको खास तौर पर बुलाया गया था, बिम्स्टेक इसमें महत्वपूर्ण है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद आपको नजर आ रहे हैं। वेंकैया नायडू इस वक्त मंच पर पहुंचे हैं, एक तस्वीर होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किर्गिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करनी है, यानी आज ही से कामकाज शुरू हो जाएगा सरकार का, कल इन सबको जिम्मा सौंपा जाना है और उसके बाद देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाने का काम शुरू हो जाएगा। अभिज्ञान आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 2 बातें बहुत जल्दी से, क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि की प्रदीप जी ने बात की, मोदी जी ने क्या कहा था, 2 जातियां इस देश में अब होंगी, एक गरीब हटाइए और एक वो जो गरीबों को हटाएंगे। अगर आप इसको स्टडी करिए, क्योंकि बीजेपी की बड़ी सफलता इस चुनाव में ये रही कि वो अपनी बात दूर दराज तक लेकर पहुंच पाए, जो सबसे बड़ा फेलियर होता है कई सारी सत्ताधारी पार्टियों का, कांग्रेस का उदाहरण है। तो ऐसे लोगों को चुना गया है जो बीजेपी की बात और बीजेपी के काम को उस आखिरी व्यक्ति तक लेकर जाए,
तो ये इसमें स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी खुद प्रचारक रहे हैं तो ये उस ट्रेनिंग से भी आता है। तो मुझे इसमें ये बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ा कि उस तरह से इसको बनाइए कि अगर जो अच्छा काम है, जैसे हमने इनको चुनाव के दिन डिस्कस किया कि उज्ज्वला का फायदा हुआ, टॉयलेट्स का फायदा हुआ, ऐसे लोग हों जो कैबिनेट के रिप्रेजेंटेशन के जरिए उस काम को उस आखिरी व्यक्ति तक लेकर जाए जहां पर आप जाति राजनीति को अपने काम से दबा सके। देखिए मुझे लगता है पिछले 5 साल में पार्टी ने जो किया है, जो सामाजिक आधार का विस्तार किया है, उसका रिफ्लेक्शन कैबिनेट में बिल्कुल सही बात, और जिस बैकग्राउंड के लोगों को बनाया गया है मंत्री, वो जब अपने क्षेत्र में जाएंगे या किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे, यही नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल एक्शन, आम लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये कोई स्वर्ग से उतर कर आया है, किसी दूसरे लोक से आया, ये हमारे बीच का। और प्रदीप जी, अभिज्ञान और राखी, आप तीनों मेरी बात से अग्री करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई गुरेज नहीं किया है जो नॉन परफॉर्मर है। आप कितने यंग क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल राज्यवर्धन राठौड़, आपने अगर परफॉर्म नहीं किया है, राजीव प्रताप रूढ़ी, अगर आपने काम नहीं किया है तो आप सामने वाली कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। बहुत क्लियर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। नहीं, रूढ़ी के मामले में तो ये सही है, राठौर के मामले में शायद सही नहीं है, क्योंकि उनके बारे में राजस्थान में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। ठीक है, मतलब मैं जेपी नड्डा के साथ उनको कुछ देर के लिए रख सकती हूँ इस मसले पर। बाकी नहीं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है जरूर, कि भाई जिसको जिस और कहा कि जो डिलीवर करेंगे, चाहे वो उस कम्युनिटी उस क्षेत्र को डिलीवर कर पाए, अपने कामकाज के जरिए कर पाए, उन सबको जगह मिली है इसमें। और मुझे लगता है आप बात कर रही थी, जैसे कि देख लीजिए ज्वल ओराम नहीं नजर आए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, मुझे लगता है कि दो नाम जो मुझे नजर आए थे इसमें, अर्जुन मुंडा एक तरफ है, रेणुका है, तो अब देखा जाएगा कि किनको रिप्रेजेंटेशन। कोई ऐसा नाम 2014 से ही नरेंद्र मोदी ने इन बातों को बड़ा स्पष्ट किया था कि एक तरीका होगा उनके अपने सिस्टम में रिपोर्ट कार्ड बनाने का, और उसमें उन्होंने जिसे कहते ना एक किस्म से बड़े कड़े रहे, बड़े सख्त, कोई कोताही नहीं की, कोई कोताही नहीं जो लिस्ट है डिलीवरी को, जैसे राखी ने कहा उसको आधार बनाया गया है। अमित शाह सबसे नया चेहरा, एस जैन शंकर बड़ा चेहरा, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ये भी पहली मर्तबा कैबिनेट मंत्री बन रहे, अर्जुन मुंडा भी इस लिहाज से देखा जाए तो, प्रहलाद जोशी भी, ये मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की सिर्फ बात कर रही हूँ, अरविंद सावंत, मतलब पहली जो लिस्ट आई है उसमें भी अच्छा खासा फेरबदल कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन सारे नामों को अगर देखिए तो जो पॉइंट मैं और प्रदीप जी आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं रूबिका, वो ये कि सारे नामों का आधार क्या है, हर एक रीजन जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं स्वाभाविक है चुनाव को ध्यान में रखते हो, और वहां की सामाजिक जो इन्होंने कहा ना यूपी में केमिस्ट्री काम की है, एरिथमेटिक नहीं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका संतुलन बनाने की कोशिश की। 2014 का संसद का उनका पहला भाषण सेंट्रल हॉल में जो था, याद कीजिए कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, और उन्होंने 2019 में जीतने के बाद कहा कि ये सरकार गरीबों के लिए थी, ये गरीबों ने हमको जिताकर भेजा है। 14 में उम्मीद थी इनको और 19 में विश्वास, जो गरीबों का विश्वास था वो हमको यहाँ तक ले आया। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट किया गया है तो राज्य मंत्री का जो पूरा ग्रुप है, राज्य मंत्रियों का, उसमें किया गया है। ये देखिए संजय धोत्रे से मैं शुरू करती हूँ, अनुराग ठाकुर, सुरेश अंगाड़ी, नित्यानंद राय, वी मुरलीधरन, रेणुका सिंह, सोम प्रकाश, रामेश्वर तेली, प्रताप सारंगी, कैलाश चौधरी और देवश्री चौधरी, कुल मिला के 11, किशन रेड्डी और जोड़ दीजिए 12 है जो एकदम नए हैं, उनको राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है कि चलिए आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, देखिए जरा कैसे परफॉर्म कर पाते हैं और फिर आगे गाड़ी चलेगी। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी अगर आप देखिए तो शुरू में जो मंत्री बनाए उनके काम को एसेस किया, जो ठीक नहीं लगे दूसरे रिशफल में उनको हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे फिर भी किसी जातीय समीकरण के या क्षेत्रीय समीकरण के चलते या पार्टी में बहुत समय से हैं इस नाते आप बने रहेंगे। आप अगर सरकार में नहीं कर पा रहे हैं कुछ जो आपसे अपेक्षा है तो आपको बाहर जाना। जैसे कि एक नाम, जैसे अगर हरदीप पुरी भले ही हार गए हों लेकिन एक्सपीरियंस है उनके पास, जैसे मैंने कहा यूएन में एनवॉय रहे, तो उनका जो जैसे अभिज्ञान कह रहे हैं आईएएस आईपी आईएफएस पर बड़ा भरोसा जताया है, तो जो विदेश सेवा में रहे तो उनका जो अनुभव है वो काम आएगा आगे जब ग्लोबल डिप्लोमेसी की जो हम बात करेंगे। सेवा में रहे, एबीवीपी में रहे और फॉरेन सेल को भी देखा बीजेपी में, फॉरेन सेल को भी देख रहे हैं, तो हरदीप पुरी का जो अनुभव है तो इस तरह के लोगों को भी लाएंगे।
अच्छा मैं ये कहूँ कि इस तीर से मैं कहूँ ये तीर एक तीर कैबिनेट को तीर मानिए, इससे कौन कौन से निशाने साधे हैं? आप तीनों चारों, आप दिबांग भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप चारों मुझे ये बताइए कि इस कैबिनेट से किन किन एम्स पर निशाना साधने की कोशिश हुई है। राखी मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे। नहीं, हर एक राज्य को भी आप देख लीजिए कि झारखंड में चुनाव होने हैं तो वहां पर आप देखिए कि अर्जुन मुंडा जैसा चेहरा भी अभी हम नजर आ रहा है फिर से हमें कई नाम, फिर आप उड़ीसा में देख लीजिए तो जिस तरह के चेहरे वहां से नजर आ रहे हैं, जो भी राज्यों को साधने की कोशिश की ठीक है एक तीर से ये एक एम। अभी ज्ञान आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो राजनीति में बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह से आप उसको बनाते हैं और इस तरह से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, कोई नई चीज नहीं है, तो वो निशाने तो साधे गए। जैसे मैंने कहा कि समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जिसने 300 से बड़ा मैंडेट सिर्फ एक चेहरे पर नरेंद्र मोदी पर दिया है, तो उस हिसाब से इसी को साधने की जरूरत थी और इसी को साधा गया है। दूसरी ये जरूर बात मैं बड़ा स्पष्टता कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार की एक बड़ी आलोचना रही है और वो ये रही है कि क्या वहां पर मंत्रियों को काम करने का मौका मिलता है। तो जब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के इतने नए चेहरे लाते हैं तो ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि उनका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कितना और कैसा होता है ये देखना। नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, पिछली सरकार में ये इंश्योर किया नरेंद्र मोदी ने कि हर कैबिनेट मिनिस्टर अपने स्टेट मिनिस्टर को काम एलोकेट करे, वर्क एलोकेशन करवाया उन्होंने कि ये डोमेन होगा स्टेट मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। दूसरी बात इस पूरे उसमें जो आप कह रहे हैं कि क्या प्रदीप जी आलोचना तो रही ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है, हर फैसले जो है एक ही जगह से लिए जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री हर प्रोजेक्ट को हर मिनिस्ट्री को खुद मॉनिटर करते थे और मंत्रियों को और अफसरों को बुलाकर, मतलब वो प्रेजेंटेशन जो होता था उसमें उनका पार्टिसिपेशन की मुद्दा तो रहेगा कि ये जो सरकार है और बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है जहां तक मुझे नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, तो क्या ये मिनिस्टर डिपेंडेंट होगा या ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री के सामने कई बार मंत्रियों ने जाने की तस्वीरें भी आ गई है, देखिए महसूस ये किया कि प्रधानमंत्री को उनके विभाग के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी है। ये बीजेपी दफ्तर लेकिन जो निशाने की बात कर रही है, बस मैं आपको तो टोक रही हूँ, ये देखिए जश्न की तस्वीरें हैं, भुवनेश्वर के में जश्न की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और साथ में एक साथ 58 नेताओं ने एमपीज ने जब शपथ लेना शुरू की, अपनी निष्ठा दिखाई, जो बात बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सत्ता सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा चाहिए। दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अड़तीस मंत्री जो पुरानी सरकार में थे वो इस नई सरकार का चेहरा नहीं है, उनका ड्रॉप कर दिया गया है। उनमें से मेनका गांधी है, अनंत गीते हैं, जॉल ओरम है, राधा मोहन सिंह है, संतोष कुमार गंगवार है, महेश शर्मा है, मनोज सिन्हा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, अल्फोंस है, पी राधा कृष्णन है, एसएस अलूवालिया है, रामकृपाल यादव है, हंसराज अहीर है, जसवंत सिंह भाबोर है, सुदर्शन भगत है, जयंत सिन्हा है, विजेंद्र कुमार है, अनंत कुमार हेगड़े हैं, अजय जामटा है, अनुप्रिया पटेल है, पीपी चौधरी है, सुभाष भामरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, सत्यपाल सिंह है, ऐसे कुछ 38 नाम है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, उमा भारती, जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, चौधरी बीरेंद्र सिंह, विजय गोयल, विष्णुदेव साई, हरिभाई चौधरी, राजन गोहेन, शिवप्रताप शुक्ला, विजय सांपला, कृष्णा राज
और सीआर चौधरी, ये रहे वो 38 नाम जो सिलसिलेवार तरीके से पढ़कर मैंने बताया। इसमें राजेंद्र सिंह शेखावत सर है, राजेंद्र चौधरी है और संतोष गंगवार भी है। मैं क्लियर कर देती हूँ, राजेश चौधरी भी है और संतोष गंगवार, ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद। नहीं देखिए, जो आप निशाने की बात कर रही थी तो बहुत से निशाने हैं, लेकिन एक जिसको सर्वसमावेशी कह सके वो ये है कि गवर्नेंस ऐसी हो जिसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो। आप अच्छी नीति बनाइए, कार्यक्रम बनाइए, अच्छा भाषण दीजिए, सब कुछ कीजिए, ईमानदारी से सरकार चलाइए, लेकिन जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा है समाज के व्यक्ति, अगर उस तक आपकी सरकार का लाभ नहीं पहुंचता है तो सब बेकार। ये शाइनिंग इंडिया में हम लोग अटल जी के समय देख चुके हैं, उसका नतीजा क्या हुआ। एक लाइन में इसको अगर मैं कहूँ कि प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप देखें तो बहुत फैंसी तरह से नहीं बनाया गया, कामकाज पे जोर है, गवर्नेंस पे जोर है, जो डिलीवर करेंगे, कामकाज अच्छा करेंगे उनको चुना गया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है, एक नाम है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके क्योंकि उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड को, पढ़ाई लिखाई को देख कर बड़ी अच्छी धारणा, लेकिन वो चुनाव हार गए, मनोज सिन्हा। तो एक तरह से ये भी समझना चाहिए कि वो तरीका भी किसी व्यक्ति विशेष के आकलन का रहा है नरेंद्र मोदी के इस सिस्टम में, जिस व्यक्ति को आप एक समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के तौर पर उनके बारे में चर्चा हुई, तो वो अगर लोकसभा हारते हैं तो आप बाकी लोगों को मौका देते हैं उसी उत्तर प्रदेश से अपने रिप्रेजेंटेशन की बात की जो मैं पहले से कह रहा हूँ, और आप मनोज सिन्हा को नहीं रखते हैं अपनी कैबिनेट में। दिबांग, ये जो 38 लोगों को इस बार इस सरकार में शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन? मुझे लगता है ये जितने भी नाम हैं ये वो रहे जिन्होंने बहुत कोई खास काम नहीं किया। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप सरकार में नहीं रहेंगे, ये एक साफ संदेश है। और जो दूसरा मुझे लगता है, एक जो अच्छी शुरुआत हुई है जिस तरह से उन्होंने अगर जयशंकर जी को लिया है और अगर उनको वो विदेश मंत्री बनाते हैं तो वो एक तरीके से नए किस्म की शुरुआत होगी, जिसमें वो ये मैसेज देंगे कि भाई खास काम अगर आपको आता है तो हमारे यहाँ पर उसकी वक़्त है, हम लोग उसको सीधा कैबिनेट पर ला भी सकते हैं। तो वो एक बड़ी बात है, वो एक नए किस्म की शुरुआत है। इस बात पर बहुत चर्चा होती कि क्या राजनेताओं को ही मंत्रिमंडल देने चाहिए या जो लोग किसी विषय को अच्छी तरह से जानते हैं उनको मौका देना चाहिए, उसको एक तरीके से उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। सुषमा स्वराज की जगह लाते हैं जो अच्छा काम कर रही थी, तो उनकी जगह लाते हैं तो इसी तरह का एक चेहरा आ सकता था जो सुषमा स्वराज से भी कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। मेरे ख्याल से वो इसकी सबसे बड़ी खबर है, वो आज के मंत्रिमंडल में जो शपथ ग्रहण हुआ है वो उसकी सबसे बड़ी खबर वो भी है। देखिए, एस जयशंकर को लाने से आप ये नहीं कह सकते कि सुषमा स्वराज की जगह किसको ले आया, ये सवाल कोई नहीं, उनकी मेरिट पे सवाल नहीं उठेगा। इस पूरे मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सबका ध्यान रखा गया है, लेकिन मेरिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जब आप जयशंकर का जिक्र कर ही रहे हैं प्रदीप जी, तो जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, जरा उनके बारे में बता दें दर्शकों को, एस जयशंकर है कौन। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट इसके लिए तैयार की है कि एस जयशंकर अचानक वो पहली कतार में आकर बैठने वालों में नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी उनकी मेहनत भी है, उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग एरियाज में रही है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं कि कैबिनेट में शामिल किया है, आप जानिए इसे। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। नाम एस जयशंकर, पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व विदेश सचिव और संभवतः अब भारत के नए विदेश मंत्री। यह शपथ ग्रहण के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। दूसरा सरप्राइज यह था कि सुषमा स्वराज को शपथ नहीं दिलाई गई, यानी वो मंत्री नहीं बनी। विदेश सचिव के रूप में एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा चेहरा रहे हैं। एस जयशंकर 1977 बैच के IFS अफसर हैं। 28 जनवरी 2015 से 28 जनवरी 2018 तक भारत के विदेश सचिव रहे। इससे पहले अमेरिका और चीन समेत बहुत से देशों में भारत के राजदूत भी रहे। अब ये जानिए कि एस जयशंकर को अचानक से मंत्री कैसे बनाया गया। दरअसल जब एस जयशंकर विदेश सचिव थे
तो उन्होंने विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में एक पुल की तरह काम किया और देश की विदेश नीति तय करने में अहम भूमिका निभाई। एस जयशंकर की सबसे अहम भूमिका भारत और चीन के बीच हुए डोकलाम विवाद को सुलझाने में रही। जून 2017 से अगस्त 2017 तक डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने खड़ी थी। दोनों देशों के बीच ऐसा तनाव था कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध होने वाला है। दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े थे, लेकिन इस दौरान एस जयशंकर ने ही दोनों देशों का तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने चीन जाकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए तो उस पूरे दौरे की प्लानिंग भी एस जयशंकर ने ही की थी। वो तब अमेरिका में भारत के राजदूत थे। इसके बाद जनवरी 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनकर भारत आए थे। इस पूरे दौरे की प्लानिंग भी एस जयशंकर ने ही की थी। वो तब भी अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उसी महीने यानी 31 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को हटाकर एस जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया, जबकि सुजाता सिंह का 9 महीने का कार्यकाल बाकी था। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह सरकार में 2008 में भारत अमेरिका परमाणु डील करवाने में भी एस जयशंकर की अहम भूमिका थी और भारत इजराइल के संबंधों में रणनीतिक साझेदारी भी एस जयशंकर के विदेश सचिव के कार्यकाल में हुई। एस जयशंकर की ये उपलब्धियां बताती हैं कि उन पर प्रधानमंत्री का कितना भरोसा है, इसीलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, आई निर्मला सीतारामन, मैं रामविलास पासवान, मैं रविशंकर प्रसाद, आई सुब्रमण्यम जयशंकर, मैं स्मृति जुबिन ईरानी, मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल, मैं धर्मेंद्र प्रधान, मैं मुख्तार अब्बास नकवी, मैं गिरिराज सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जनरल विजय कुमार सिंह सेवानिवृत्त ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले जो पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्रियों के शपथ लेने की कहानी थी, आपने कुछ ही मिनटों में देख ली। वो पूरे शपथ को एक एक करके, एक एक शब्द हमने कोशिश की है कि उस शपथ पत्र में ही इन 58 मंत्रियों की तस्वीर आपके सामने आ जाए। और पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लड्डू खिलाकर खुशियां मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन असल खुशी तब मनेगी जब वाकई ये सारे के सारे मंत्री जो इस वक्त चुने गए हैं वो परफॉर्म करें और हिंदुस्तान को एकदम आगे की तरफ लेकर जाए। असल खुशी तब होगी। आज से अग्नि परीक्षा, आज से असल इम्तिहान इस सरकार का, इस सरकार की इस पूरी टीम का शुरू हो जाता है। क्यों दिवान जी? बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे एस जयशंकर की, अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने पोजीशनिंग की भारत की, एक एग्रेसिव माहौल में, एक एग्रेसिव देश की तरह, वो वही सोच है जो प्रधानमंत्री की सोच है, वो वही सोच है जो इनके पिता, ये आईएफएस ऑफिसर हैं, खुद इनके पिता आईएएस ऑफिसर होते थे के सुब्रमण्यम, उनकी भी वही सोच होती थी, वो बार बार लिखते थे उसी पर, बीजेपी के नेताओं के काफ़ी करीब उनको माना जाता था। एक अलग भारत की पहचान
के बारे में वो लगातार लिखते थे जो उनके बेटे ने किया, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर देखें। दूसरी बड़ी खबर जो लगता है और उस पर तय होगा कि किस तरह का पोर्टफोलियो होता है, वो अमित शाह का मंत्रिमंडल में शामिल होना, किस तरीके से अमित शाह शामिल होते हैं। कह रहे हैं कि वित्त मंत्री बनेंगे, मुझे लगता है कि वो गृह मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के फैसले इस सरकार को लेने हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो कश्मीर के मुतल्लिक हो या और बातें हों जो उनको करनी है, उसमें गृह मंत्रालय बहुत फोकस में रहेगा। उसमें बहुत ऐसा गृह मंत्री चाहिए जो बहुत चौकन्ना होकर सारे काम को करे, पहले सोचे कि क्या क्या हो सकता है और उनमें क्या क्या नहीं हो सकता, वो सब प्लानिंग करके करें। तो उस काम में हमने देखा है जिस तरह से प्लानिंग करते हैं अमित शाह, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं मानने को तैयार हूँ कि जो अगर अर्थव्यवस्था की हालत देखें, जिस तरह का रेवेन्यू कलेक्शन है, जिस तरह के आप जिस तरह की अर्थव्यवस्था की चाल है इस समय, उसमें वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं, तो उनमें देखना पड़ेगा कि देखिए दीवान जी जो बात कह रहे हैं उससे देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। एक व्यक्ति वो होम मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है वित्त मंत्रालय के लिए, और पार्टी के लिए तो वो प्रूव कर चुके हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके मंत्रिमंडल में होने से प्रधानमंत्री को कितनी मदद मिलेगी। एस जयशंकर के होने से स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के मामलों में प्रधानमंत्री को कितनी मदद मिलेगी, कितनी आसानी होगी। इस नई सरकार को दो हिस्सों में आप देख लीजिए, एक जो पूरी दुनिया में पोजीशनिंग होने वाली है उसके लिए, और एक जो हिंदुस्तान में परफॉर्मेंस होने वाली है उस लिहाज से। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अमित शाह को शामिल करके ये बता दिया है कि मैं बाहर के देशों के सामने पोजीशनिंग में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दूंगा, मैं वहां पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, और एक ऐसा आदमी मुझे चाहिए जो सरकार को पीछे से बहुत अच्छे से चला पाए, क्या अगर मैं इसे ऐसे समझूं? नहीं, मुझे लगता है कि एस जयशंकर का आना ये इस बात का संकेत नहीं, अमित शाह नहीं, नहीं, उनका आना इसका मतलब है प्रधानमंत्री विदेश की मामलों में पहले की तुलना में थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। ओके, दिबांग आपको क्या, घरेलू मोर्चे पर ज्यादा बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप देखें जिस तरह की सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की जिस तरह से सोच है, उसमें घर पर करने के लिए इस समय बहुत कुछ होगा। क्योंकि अगर आप देखें बार बार जब भी बीजेपी से कहा जाता था कि आप अपने वायदे क्यों नहीं पूरा करते, तो इनका एक ही जवाब होता था कि आप हमें 300 सीटें दीजिए और हम लोग ये सब करके दिखाएंगे। तो वो बहुत सारे वायदे हैं जो इनको, मैं वहाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, जो वो उनको घर पर पूरे करने हैं। उस हालत में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्या प्रधानमंत्री बाहर कम दिखाई देंगे? मुझे नहीं लगता कि बाहर कम दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री के साथ एक खास बात यह है कि वो 24 घंटे काम करते हैं, हफ्ता के सातों दिन काम करते हैं, तो वो बाहर भी दिखाई देंगे, यहां भी बहुत सक्रिय दिखाई देंगे, और उनमें इनके ये जो दो सहयोगी हैं इनकी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। आपको क्या लगता है, घरेलू मोर्चे पर या विदेशी मोर्चे पर प्रधानमंत्री इस बार कहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं और कहां ज्यादा अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं? देखिए, इनके पास सरकारी नौकरियों को लेकर आंकड़े नहीं है, इस पिछली सरकार पर बहुत सारी चीजों को लेकर आरोप लगते रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया ठीक ठाक चली है लेकिन उस लेवल तक नहीं गई है, डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा धब्बा है, चाहे सरकार बार बार कहती रही कि हमने टफ डिसीजन लिया है। आपको क्या लगता है इस वक्त, देश या विदेश? नहीं, दोनों का संतुलन रहेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि सिर्फ देश हो और आप विदेश को इग्नोर करें। ज्यादा मैं कह रही हूँ रेशियो ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी उतनी ही भूमिका को विदेश में निभाएंगे, क्योंकि बहुत लोकप्रिय हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब जितना हो। देखिए, एक जो हम लोग यहाँ पर नहीं कह पा रहे हैं कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, जैसे उन्होंने कहा ना भाई 300 आप दीजिए हम आपको सब करके दिखाएंगे, उसका एक मूल आधार मंत्र क्या था? मूल आधार मंत्र पॉलिटिकली जो इनका बीजेपी का अपना परिभाषा उन्होंने जो लोगों के सामने रखी, जिसको पूरे देश ने एक्सेप्ट किया, नेशनलिज्म, ठीक है, आप इस पॉइंट को समझिए। तो आंतरिक सुरक्षा वो एक बहुत बड़ा मसला आहिस्ता आहिस्ता जाके इस गवर्नमेंट के लिए बनेगा ही बनेगा। और अब तो मुझे ऐसा लगता है 370 पर क्या बहाना बना सकते हैं, अब तो 35A को लेकर आप क्या बहाना बना सकते हैं, अब तो 5 साल है आपके पास, और किस तरीके से आप इस पर काम करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। एक ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक लेना है और उसके बाद राखी मैं आपसे शुरुआत करने वाली हूँ। बड़ी कवरेज है लेकिन अब बहुत बारीकी से विश्लेषण का वक्त है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है, दूसरी तस्वीर में मुख्तार अब्बास नकवी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं,
मुख्तार अब्बास नकवी से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बातचीत की है। अब से कुछ ही देर में आपको वो बातचीत हम सुनाने वाले हैं। मुख्तार अब्बास नकवी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, हालांकि टिकट बहुत सारे माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले या उस कौम से ताल्लुक रखने वालों को नहीं दी गई थी, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी पे एक बार फिर से भरोसा जताया गया है और हो सकता है कि एक बार फिर से उनको वही जिम्मा सौंपा जाए जो पिछली सरकार में सौंपा गया था। अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद थे, मुख्तार अब्बास नकवी का पहला रिएक्शन क्या था सुनिए आप। शपथ लेकर के पहुंचे हैं, दूसरा टर्म है सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। पहले टर्म में मोदी सरकार की उपलब्धियों का शायद जनता ने भी भरोसा जताया और इतना बड़ा बहुमत दिया, दूसरा टर्म क्या चुनौतियां? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल था वो परफॉर्मेंस का 5 साल था, परिश्रम का 5 साल था और प्रोग्रेस का 5 साल था। और जिस तरह से उनके नेतृत्व में एक इकबाल की सरकार, एक इंसाफ की सरकार, एक ईमान की सरकार चली, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक संदेश दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सर, लेकिन पिछली बार से इस बार और ज्यादा बहुमत या ये कहा जाए आंकड़ा, तो उससे जिम्मेदारियां भी और ज्यादा बढ़ जाती हैं? निश्चित तौर से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ परिश्रम, पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए पूरा भी करना। सर, एक आखिरी सवाल, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मोदी सरकार के सेकेंड टेन्योर की? देखिए, प्राथमिकता जो है वो सब सामने है, प्राथमिकता जो है वो लोगों के हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली है, यही प्राथमिकता हमेशा रही है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसमें भी जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेकर के पहुंचे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनका यही कहना है कि मोदी सरकार की हमेशा से प्राथमिकता यही रही है कि लोगों की जिंदगी खुशहाल हो और इस बार भी उसी के तरफ काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। मोदी सरकार को जानने का वक्त आ गया है और जब मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं तो उस एक एक मेंबर के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जिसका सिलेक्शन मोदी और अमित शाह के इस डुअल ने, इस जोड़ी ने किया है, वो 10 बजे हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप कुछ देर का और इंतजार कीजिए और ये 4 खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे साथ लगातार बने रहे थे, आपको एक एक करके उस मंत्री के बारे में, उसके पीछे जो होमवर्क हुआ उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और 10 बजे उस बड़े शो के साथ जो बहुत बारीकी से आपको बताएगा कि ये अगर मंत्री चुना गया है, ये शख्स अगर चुना गया है तो क्यों चुना गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे एस जयशंकर के, उसको थोड़ा आगे फिर बढ़ाना चाहूंगी कि ये जो न्यू इंडिया की बात प्रधानमंत्री, सोचिए किसी ने सोचा था राखी कि एस जयशंकर पर ये इतनी बातचीत होगी? सबसे सरप्राइजिंग डिसीजन है जो कि मुझे लगता है बड़ा स्टेट्समैनशिप का एक नजारा है जो हमें देखने को मिला है कि भाई ऐसे व्यक्ति को आप लाएं जिसके पास एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ साथ स्ट्रैटेजिक जो उनकी काबिलियत को हम देख रहे हैं वो है। आप समझिए एक मिनट के लिए रूबिका की, सुषमा स्वराज इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव और अब आप एस जयशंकर को ले आते हैं इस कन्विक्शन के साथ कि वो बिल्कुल डिलीवर करेगा जो इरादे हैं, जो नए इंडिया के इरादे हैं, जिसको कहते हैं हम स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एस जयशंकर का चुना जाना इस पूरे मंत्रिमंडल का एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग मैसेज है। अभिज्ञान में आऊं से पहले प्रदीप जी, ऐसा कोई चेहरा जिसको देखकर आपको लगा हो कि इसको थोड़ा एलिवेट कर दिया जाता तो बेहतर रहता, या इसका ना होना इस सरकार के चेहरे में बेहतर रहता, ऐसे कोई 2 नाम आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक तो संतोष गंगवार 8वीं बार के सांसद है, बहुत पुराने बीजेपी के नेता है, पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका लगातार अपने क्षेत्र में जितने लोकप्रिय हैं, एक बार चुनाव हारे हैं, वहाँ के लोगों को अफसोस हुआ कि वो चुनाव हार गए, तो उनको लगातार राज्य मंत्री बनाते बनाते आखिर में स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कैबिनेट में आते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। कोई ऐसा नाम दिबांग आपके जहन में? मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो लोग ड्रॉप किए हैं उसमें जैसे राज्यवर्धन राठौड़ हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें रहीं युवाओं को, खासतौर पर जिस तरह से वो स्पोर्ट्स का काम कर रहे थे वहाँ पर, देखना होगा वो उनके लिए आगे उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कोई वजह होगी कि उनको ड्रॉप किया गया, वजह जरूर होगी। आप अपना दल से देखें, अनुप्रिया पटेल 2 ही वहाँ पर, और अपना दल एक तरह से पार्टनरशिप, तो उसमें से ड्रॉप किया गया
सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि कामकाज अच्छा नहीं है, क्या वजह रही? अभी क्या नहीं, उसकी, उसकी वजह तो जो है उनकी उनके पति की राजनीति। अच्छा, चुनाव से पहले जितना परेशान किया उन्होंने भी वो पसंद नहीं आया, 6 सीट मांग रहे थे, वो पसंद नहीं आया पार्टी को, लगातार उसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे पार्टी।